जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली बड़ी ही सुंदर कहानी। तो चलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक अशोक के पेड़ पर चार चिड़ियाँ रहती थीं। वे सदैव हरि नाम का जाप किया करती थीं। एक दिन उसी पेड़ के नीचे दो औरतें कार्तिक स्नान, दीप दान, हरि भजन आदि का गुणगान करने लगीं। उन चिड़ियाओं को भी ये बात बड़ी अच्छी लग गई, तो उन्होंने सोचा कि वे हरि नाम जाप तो करते ही हैं, क्यों ना कार्तिक के महीने में स्नान का भी संकल्प लिया जाए। ये सोचकर चारों चिड़ियाओं ने आपस में एक दूसरे पर सहमति दे दी और अगले ही दिन से कार्तिक का महीना शुरू हो गया और वे रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करने जाया करती थी। भगवान श्री हरि की कृपा से उनका पूरा कार्तिक का महीना इसी प्रकार हरि नाम भजन और कार्तिक स्नान में बीतता है। अब अंततः वो दिन आता है जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। तब वे चारों चिड़ियाँ सोचती हैं कि आज हम खिचड़ी ज़रूर बनाएंगे। तो चारों चिड़ियाँ मिलकर दाल, चावल, पानी, अग्नि का प्रबंध करती हैं और इसके बाद वे सभी मिलकर सोचती हैं कि अब हम स्नान करेंगे और फिर भगवान श्री हरि का भजन करेंगे और फिर खिचड़ी का भोग लगाकर सेवन भी करेंगे। तो इस प्रकार चारों स्नान करने चली जाती हैं और फिर पहली चिड़िया स्नान कर कर आती है तो उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, तो वह खिचड़ी की भाप ले लेती है और सो जाती है। उसी प्रकार दूसरी चिड़िया आती है, उसे भी भूख लगी होती है तो वह खिचड़ी का पानी पी जाती है और वो भी सो जाती है। तीसरी चिड़िया आती है, वो भी खिचड़ी में से खिचड़ी खा जाती है और सो जाती है। चौथी चिड़िया आती है, उसके लिए केवल खुरचन बची होती है तो वह खुरचन खा जाती है और सो जाती है। थोड़े ही समय के बाद चारों चिड़ियाँ सोते सोते प्राणों को त्याग देती हैं। अब उन चारों चिड़ियाँ का एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म होता है। जिस चिड़िया ने भाप ली होती है वह राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। जिस चिड़िया ने पानी पिया होता है वह पंडित की पुत्री बनती है। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई होती है वह राजकुमारी की दासी बनती है और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई होती है वो राजकुमारी के महल में रहने वाली हथनी बनती है। इस प्रकार से उन चारों चिड़ियाओं का पुनर्जन्म हो जाता है। उन चारों में से केवल राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। वह धीरे धीरे बड़ी होती हैं। एक दिन राजकुमारी का विवाह तय हो जाता है। राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया जाता है तो राजकुमारी कहती है कि वह अपने साथ पंडित की पुत्री, दासी और हथनी को लेकर जाएगी। राजकुमार इस बात को मान लेता है, किंतु हथनी लेट जाती है और वो जाना नहीं चाहती। तब राजकुमारी हथनी के पास आती है और उसके कान में पूर्व जन्म की सारी बातें कह देती है। हथनी उठकर खड़ी हो जाती है और चलने को तैयार हो जाती है। तब राजकुमार राजकुमारी से पूछता है कि तुमने इस हथनी के कान में ऐसा क्या कहा। तब राजकुमारी अपने पूर्व जन्म की सारी बातें राजकुमार को बता देती हैं और इसी प्रकार राजकुमार कहता है कि एक चिड़िया यदि कार्तिक में हरि नाम जाप करती है और स्नान करती है तो उसे राजकुमारी का जन्म मिलता है। तो हम तो मनुष्य हैं, यदि हम कार्तिक में स्नान दान दीप दान आदि करें और हरि नाम जाप करें तो हमारा प्रभु कितना उद्धार कर सकते हैं। तो वे दोनों राजकुमार और राजकुमारी मिलकर कार्तिक के महत्व को समझते हुए कार्तिक का स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं और प्रभु के नाम का भजन करते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी कार्तिक के महीने में खिचड़ी का सेवन अवश्य से करेंगे और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप तक लाती रहूं। जय माता दी, हरे कृष्णा।